हाउ मैनी ऑफ यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट? सो काफ़ी लोग हैं एंड आई एज्यूम एंड आई होप कि आप सारे प्रॉफिटेबल भी हो गए, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट द सेशन विद दिस क्वेश्चन. सो इमेजिन दिस हाइपोथेटिकल ग्राफ ऑफ अ स्टॉक, और आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे नीचे यहाँ पे बाय किया एंड आफ्टर सम टाइम इट रैलीज एंड वो अपने ऑल टाइम हाई पे आ जाता है एट 200 रुपीज़. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या करोगे, सेल और होल्ड? सो हाउ मेनी ऑफ यू से सेल, काइंडली रेज योर हैंड. एंड बाकी सारे होल्ड. एंड हाउ मेनी ऑफ यू, कोई आप में से एक्सेप्शनल होगा जो कहेगा कि आई विल बाय? सो आई कैन ओनली सी कपल ऑफ पीपल. तो मैं इसका आंसर अभी लास्ट में दूंगा, ठीक है? सो लेट्स रिलेट द स्टॉक मार्केट विद क्रिकेटिंग स्टोरी. सो हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो क्रिकेट? मतलब ये तो हमारे ब्लड में ही है इंडियंस के. सो यू नो कि अभी एज ऑफ नाउ वी नो रोहित शर्मा, वी नो विराट कोहली, बट 1980s में देर वॉज एन इंग्लिश ओपनिंग बैट्समैन जेफरी बॉयकॉट एंड ही वॉज वन ऑफ द लेजेंडरी टेस्ट क्रिकेटर ओपनिंग बैट्समैन. एंड उन्होंने कुछ 8,114 टेस्ट रन बनाए थे. एंड उस जमाने में पीपल यूज टू से कि इस इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा. सो ही क्रिएटेड दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग हाइएस्ट टेस्ट रन एंड पीपल एट दैट एरा कि ये इम्पॉसिबल है, कौन बनाएगा इतने रन. देन मुंबई के ही हमारे बैट्समैन आए, इंडियन ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर, अगेन अ लेजेंडरी प्लेयर. इन्होंने 10,122 टेस्ट रन बनाए, ठीक है? इफ यू कैन जस्ट नोटिस अ लिटिल बिट, आप डिटेल में देखोगे तो 8,114 और 10,120 के बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2,008 टेस्ट रन. सो इफ यू कैन जस्ट इमेजिन कि एवरी टाइम सुनील गावस्कर जी वॉज स्कोरिंग इवन वन रन एक्स्ट्रा, 8,115 जब उन्होंने बनाए, सो ही वॉज मेकिंग एन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, ऑफ हाइएस्ट रन. जब उन्होंने एक रन और एक्स्ट्रा बनाया, ही वॉज अगेन मेकिंग एन ऑल टाइम हाई एंड दिस वेंट ऑन टिल 2008 टेस्ट रन. सो इस स्टोरी से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. आपने अभी रिसेंट ओलंपिक्स में देखा होगा, इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, इतने सारे टूटे. सो रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. एंड उस जमाने में जो लोग बोलते थे कि इनका टेस्ट रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, सो एज टिल नाउ 33 प्लेयर्स हैव ऑलरेडी ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ जेफरी बॉयकॉट एंड 12 प्लेयर्स हैव ऑलरेडी ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ सुनील गावस्कर 10,122 टेस्ट रन. कमिंग बैक टू आर स्टॉक मार्केट एग्जाम्पल, उससे पहले सेंसेक्स जो हमारा स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, यू माइट बी नोइंग निफ्टी और सेंसेक्स, ये तो हमारे दो बेसिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं. सो सिंस 1979 कैन यू जस्ट गेस कि कितने बार हमारे सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ा होगा, या अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, एंड हाउ मैनी और वॉट इज द एवरेज एनुअल फ्रिक्वेंसी कि सेंसेक्स हर साल या हर एनुअली कितनी बार वो अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ता है. सो आपको ये नंबर बहुत ही कम लग रहा होगा एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि कितनी बार ही तोड़ा होगा, बट दिस नंबर इज इनसेन. टिल नाउ 1979 से लेके अभी तक सेंसेक्स ने 722 टाइम्स ऑल टाइम हाई तोड़ा है एंड हर साल सेंसेक्स 21 बार अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता है, विच मीन्स कि रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. एंड स्टॉक मार्केट में भी whenever a stock or any index reaches an all time high, तो this doesn't mean कि वो अपने ओवर वैल्यूएशन पे है एंड इट्स अ टाइम टू सेल. तो जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि whenever से इफ योर स्टॉक कम्स टू 200 रुपीज, तो मोस्टली यू एग्री डेट यू विल आइदर होल्ड और सेल. ओनली फ्यू पीपल सेट दिल बाय एंड प्रॉबेबली बाइंग वॉज द बेस्ट डिसीजन बिकॉज उसके ऊपर भी स्टॉक जाते हैं. सो जो सारे जो शायद हंस रहे थे लोग, द पीपल हु वर सेइंग कि वो बाय करेंगे और ज़्यादा, दे वर प्रॉबेबली राइट. एंड दिस इज़ द मेंटेलिटी. सो वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हम अपने आप को रिटेल बोलते हैं. एंड देन देर आर अनदर काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, वी कॉल इट इंस्टीट्यूशनल, वेयर इंस्टीट्यूशन मीन्स म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स, जो बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. सो दीज पीपल दे हैव ऑपोजिट माइंडसेट. एंड स्टॉक मार्केट में इफ यू वॉन्ट टू रियली अपस्केल योर गेम, रियली वॉन्ट टू मेक मनी, यू नीड टू फॉलो दिस इंस्टीट्यूशनल मेंटेलिटी. सो जस्ट रिमेंबर दिस टर्म इंस्टीट्यूशनल मेंटेलिटी, हम बहुत बार यूज करेंगे इसका. सो रिटेल मेंटेलिटी इज कि वी जनरली गेट फियर एट ऑल टाइम हाई,
हमें लगता है अब बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, होल्ड कर लेंगे या ज्यादा से ज्यादा. बट इंस्टीट्यूशंस दे गेट ग्रीडी एट ऑल टाइम हाई, बिकॉज एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स, ऑल टाइम हाई भी बनता है टूटने के लिए. सो दिस आर जस्ट इन एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ट्स, एंड यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली इन द स्टॉक मार्केट. सारे स्टॉक्स हैं, क्योंकि अगर कोई स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक करेगा तो हाउ इट विल बिकम 10x, 50x, 100x. सो पोटेंशियली एनी स्टॉक विच कैन गिव यू मल्टीबैगर रिटर्न्स, वो तभी पॉसिबल होगा जब वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट ओनली. जैसे अभी मैंने आपको एक बिहेवियरल पैटर्न समझाया कि हाउ वी रिएक्ट वेरी ऑपोजिट टू इंस्टीट्यूशंस, टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न सम ऑफ द फ्यू और अनदर बिहेवियरल पैटर्न्स जो ऑपोजिट हैं टू आर मेंटेलिटी, एंड वी आर वेरी मच ऑपोजिट टू हाउ इंस्टीट्यूशंस वर्क, एंड जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स दे प्रोबेबली डोंट एंड अप मेकिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी जो शायद अगर वो इस मेंटेलिटी को फॉलो करते तो शायद बना पाते. Let's unlearn some of the unorthodox behavior. So first is, market is always forward looking, and I'll tell you a very simple basic example. So next month interest rates in USA are like most probably they are going to be cut down. और जब भी USA में interest rates कम होंगे, so USA के businesses they will be able to borrow money at cheaper interest rate. मतलब कम interest rates पे वो loan ले पाएंगे. And जब भी आपके business में पैसा आएगा तो ऑब्वियसली यू विल अपग्रेड योर वेबसाइट, यू विल अपग्रेड योर ऐप, यू विल अपग्रेड योर बैकएंड फंक्शनैलिटीज, एंड सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम बढ़ेगा यूएसए कंपनीज का, इट विल एंड अप लाइक द वर्क विल बी डन बाय इंडियन आईटी सेक्टर कंपनीज. तो हु इज द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ आईटी कंपनीज ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट्स कट? इंडियन आईटी कंपनीज. एंड नाउ इफ यू आर एन नॉर्मल इन्वेस्टर, आपको लगेगा अगले महीने इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, एंड उसके बाद 3 महीने 6 महीने बाद यू विल सी एन इम्पैक्ट इन द रेवेन्यूज, इन द प्रॉफिट्स ऑफ आईटी सेक्टर कंपनीज, एंड देन यू विल थिंक कि आई विल इन्वेस्ट माई मनी, तो प्रॉबेबली यू विल बी वेरी मच लेट. वाई? बिकॉज स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, इट एंटीसिपेट्स फ्यूचर इवेंट्स. वो फ्यूचर के इवेंट्स को पहले ही जज कर लेता है, प्रिडिक्ट कर लेता है, एंड उसके अकॉर्डिंग आज की ही कंपनीज में उनको प्रीमियम देना स्टार्ट कर देता है. उनके स्टॉक प्राइजेस पहले ही बढ़ने लग जाते हैं बिकॉज द मार्केट नोज, द मार्केट इज अ वेरी यू कैन से इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ पीपल. दे ऑलरेडी नो कि इस स्टॉक को कितना बेनिफिट होगा, इस सेक्टर को कितना बेनिफिट होगा, एंड द मल्टीप्लायर इफेक्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे ओनली. सो अगर आप इवेंट को हो जाने के बाद उस पर रिएक्ट करोगे तो प्रॉबेबली यू विल बी इन अ वेरी रिस्की सिचुएशन. सो इन जनरल यू हैव टू एंटीसिपेट सो दैट वेयर यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन, जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा एंड आप कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिवॉर्ड कमा पाओगे. एक और सिंपल एग्जाम्पल, सो यू नो अभी मानसून का महीना चल रहा है, मुंबई में इतनी अच्छी बारिश हुई इस साल, नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी बारिश हुई, एंड इफ़ द रेनफॉल इज और द मानसून इज़ वेरी गुड, तो जून जुलाई अगस्त खरीफ क्रॉप का सीजन होता है. फार्मर, बिकॉज इंडियन फार्मर्स डिपेंड्स ऑन मानसून अ लॉट, अगर मानसून अच्छा है तो देर विल बी मोर सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स, और खरीफ क्रॉप्स की अगर सोइंग ज़्यादा होगी तो क्या चाहिए? फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, एंड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स मीन्स एग्रोकेमिकल सेक्टर, एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर्स ने ऑलरेडी रैली देना स्टार्ट कर दिया. So this is how stock market anticipates, because even though the results are going to be come in the September quarter, uske 15 din baad results announce honge, but the market very well knows that this year monsoon was good, and it very much knows ki aage 3 mahine baad 2 mahine baad agrochemical sectors ke liye acha hoga. So this is how market is always forward looking. Aur ye aap logon mein se bahut sare logon ke sath hua hoga कि वैन आई बाय स्टॉक, एनी स्टॉक, उसके बाद ही वो गिरना स्टार्ट कर देता है, एंड वैन आई सेल, उसके बाद ही वो स्टॉक रैली करना स्टार्ट कर देता है. सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट कि जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है? एंड इसका रीजन इज कि व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस एग्जांपल, इंस्टीट्यूशनल मेंटेलिटी. सो दिस इज द सिंपल बेसिक ग्राफ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस तो आपको पता लगेगा कि एंटायर लाइक एंटायर बिहेवियर ऑफ माइंड, बाइंग अ स्टॉक, सेलिंग अ स्टॉक, होल्डिंग अ स्टॉक, इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू हाउ इंस्टीट्यूशंस बिहेव. तो उनकी वजह से वो पैसा कमा लेते हैं, बट एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं कमा पाता. सो सी, देर विल बी अ फेज वेन द मोमेंटम विल स्टार्ट इन एनी स्टॉक और इन एनी सेक्टर, वो एक टेक ऑफ वाला फेज आएगा,
एंड देन जब वो स्टॉक्स और सेक्टर्स में रिटर्न्स अच्छे दिखने लग जाते हैं तो क्या होता है कि हर अच्छी और बढ़ती हुई चीज को हर कोई कैप्चर करना चाहेगा, तो मीडिया विल स्टार्ट गिविंग अटेंशन, देर विल बी एंथुजियाज्म इन द सेक्टर, इन्फ्लुएंसर्स लाइक मी विल मेक वीडियोज, और बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे वीडियोज कवर करेंगे, एंड देन देर विल बी अ ग्रीड इन द सेक्टर ऑफ स्टॉक. तो रिटेल इन्वेस्टर वहां पे सोचेगा कि अब मैं एंट्री करता हूँ, स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दिए, बट द स्टोरी इज जनरली गेट्स ओवर बाय दैट टाइम, क्योंकि देन इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अपने रिटर्न्स कमा लिए, सो फॉर देम इट इज द टाइम टू एग्जिट. सो व्हेन दे विल एग्जिट देर विल बी फियर इन रिटेल, और वो क्या करेगा, अपने स्टॉक्स को होल्ड करेगा, वो लॉसेज में होगा, बट स्टिल द रिटेल मेंटेलिटी विल बी कि आई विल ओनली सेल जब मेरा स्टॉक वापस बैक टू ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, मैं तब जाके बेचूंगा. सो ऑल दिस इज अ ट्रैप बाय इंस्टीट्यूशंस एंड इट इज अ कंप्लीट ऑपोजिट मेंटेलिटी ऑफ हाउ यू बाय अ स्टॉक और वो लोग कैसे बाय करते हैं. सो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू आवर फर्स्ट पॉइंट कि इफ यू कैन एंटिसिपेट पहले देन यू विल बी इन लाइन विद द इंस्टीट्यूशंस, अदरवाइज आप अगर उनके ऑपोजिट चलोगे तो यही होता है जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि यू विल बी बाइंग तो उसके बाद स्टॉक गिरेगा एंड व्हेन यू विल बाय और सेल द स्टॉक विल स्टार्ट रैली. थर्ड इज गेट रिच क्विक. सो एवरी वन ऑफ अस नाउ डेज हर किसी को बहुत जल्दी पैसा कमाना है, बहुत जल्दी ग्रो करना है, दैट्स फाइन, बट इन स्टॉक मार्केट देर इज अ लिमिट एंड देर शुड बी अ सिस्टमैटिक और यू कैन से एक जस्टिफिएबल आपका एक परसेंटेज होना चाहिए. सो आई डील विद सो मेनी इन्वेस्टर्स ऑन अ डेली बेसिस एंड एक पर्सन ने मुझे एक दिन बोला था कि यार स्टॉक मार्केट से 100% 150% के रिटर्न्स कमाना इज वेरी इजी, एंड माई माइंड वॉज लाइक कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है, बिकॉज रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इज नॉट देयर विद पीपल नाउ डेज, बिकॉज आफ्टर कोविड पीपल हैव ओनली सीन मार्केट गोइंग अप एंड अप, दे हैव नॉट सीन द फेज जहाँ पे मार्केट गिरे या फिर कंसॉलिडेशन में आए, तो पीपल फील कि यार मार्केट से पैसा कमाना इज वेरी इजी, सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग मेंटेलिटी. एंड एज पर द लेटेस्ट डेटा ऑफ आर रेगुलेटर एज वेल, 9 out of 10 यानी 90% पीपल, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स हु डील इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो पैसा गवाते हैं, दे एंड अप लूजिंग एंड द एवरेज लॉस इज इन लैक्स ऑफ रुपीज. सो कैन यू इमेजिन अ स्टूडेंट जिसके पास शायद बेसिक पे नहीं होगी या घर से पैसा आता होगा, वो लोग भी लाखों रुपए के लॉसेज में है. व्हाई? बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट रिच क्विक. सो अगेन गोइंग बैक टू बेसिक्स, समटाइम्स इट्स कि आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग करो, चीज़ों को समझो, और इवन इफ आई से फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, हैविंग अ बेसिक टर्म इंश्योरेंस, हैविंग अ बेसिक लाइफ इंश्योरेंस और एमरजेंसी फंड बनाने के लिए FD में भी इन्वेस्ट करने इज कम्प्लीटली ओके. सो बैक टू बेसिक्स और बेसिक थिंग्स में भी करके चीज़ें यू कैन डू वेरी मच वेल एज कम्पेयर टू समवन जो हाई फ्लाइंग चीज़ों में इन्वेस्ट करे एंड विदाउट यू कैन से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. सो यू शुड हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट हाउ मच रिटर्न्स यू कैन मेक फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज इवन द लेजेंडरी इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम वॉरेन बफे ओनली मेक्स 22% CAGR एवरी ईयर, तो वो भी 22% ही एक्सपेक्ट करते हैं इवन बीइंग द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम. सो हैविंग अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. द लास्ट मेंटेलिटी दैट आई विल टॉक इज नुकसान नहीं होना चाहिए. सो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक होल्ड देयर लूजिंग स्टॉक्स, मतलब स्टॉक लूज गिर गया है तो उसको मेंटेलिटी है कि उसको बेचना नहीं है, एंड द रीजन इज कि वी आर वेरी मच इनटू लॉस अवर्जन. अगर मैं आपको 100 रुपये दे दूं तो प्रॉबेबली यू विल नॉट बी वेरी मच हैप्पी और यू विल बी ओकेश, बट आपका अगर 100 रुपये कहीं गुम हो जाए तो आपको 2 रात ऐसे लगेगा कि मेरा 100 रुपये कहाँ गया. तो इट हैपन्स बिकॉज हमें मतलब लूज करने की आदत नहीं है, तो स्टॉक मार्केट में हमें वो इम्पॉर्टेंट है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न डेट हैविंग लॉसेज और अगर लॉसेज होते हैं तो इट इज़ वेरी मच नॉर्मल, एक्सेप्ट योर लॉसेज और बुक योर लॉसेज एज सून एज पॉसिबल. सो जनरली इफ आई आस्क कि अगर आपका कोई स्टॉक है 100 रुपीज़ पे, इट केम डाउन टू 50 रुपीज़, सो जनरली 3 things आर गोइंग टू बी हैपन. सो यू एग्री विद दिस दैट यू विल बाय द डिप्स, आप उस स्टॉक में और ज़्यादा बाय करोगे बिकॉज वो गिरा है. यू एग्री? Raise your hand. You will probably have this mentality that I will only exit जब मेरा stock वापस 50 से 100 रुपये पे आ जाएगा. You agree? Break even पे आ जाएगा. And जो कुछ ज़्यादा smart लोग होंगे वो सोचेंगे कि अब stock इतना गिर गया है,
तो एटलीस्ट अब नई एंट्री ले लेते हैं, बिकॉज इससे ज्यादा वो नीचे और कितना गिरेगा। यू एग्री विद दिस मेंटेलिटी? बट ये तीनों के तीनों मेंटेलिटी इज रॉन्ग। रीजन बींग कि वेन यू लूज योर मतलब और यू बाय द डिप्स इन अ लूजिंग स्टॉक, देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द स्टॉक कैन इवन गो इन टू फर्दर कंसॉलिडेशन, कि वो 100 रुपये पे आई ना वो और ज़्यादा गिरता जाए या फिर उसी लेवल पे वो 1 साल 2 साल 5 साल तक भी ट्रेड करता रह सकता है। एंड वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स वेयर अ फॉलिंग स्टॉक डजेंट मीन कि वो वापस आ जाएगा या इससे नीचे वो कितना जाएगा, वो उससे नीचे और भी ज़्यादा भी जा सकता है। एंड देन एग्जिटिंग एट ब्रेक इवन पॉइंट, इसके पीछे हमें बेसिक मैथ नहीं समझ आता, दैट इज़ वाई वी होल्ड आर लॉसेज। अगर कोई स्टॉक है आपका 100 रुपीज पे, इट फेल बाय 10 रुपीज, 90 रुपीज पे आ जाता है, तो हाउ मच परसेंटेज इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टॉक टू ग्रो टू गो फ्रॉम 90 to 100? 11.11%। सो इट इज नॉट 10%। अगर आपका स्टॉक 100 से 80 रुपीज पे आ जाए, 20% का फॉल, हाउ मच परसेंटेज इट रिक्वायर्स कि वो 80 से वापस 100 पे जाए? 25%। इफ अ स्टॉक फेल बाय 50%, 100 से 50 रुपए पे आ जाए, उसको 100% ग्रो करना पड़ेगा टू गेट टू द 100 रुपी मार्क। तो आपको पता है कि अप जाने में स्टॉक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इट्स बेटर कि वेन एवर यू टेक एनी ट्रेड डिफाइन योर स्टॉप लॉसेस इन एडवांस, कि अगर आपका 100 रुपीज़ का स्टॉक 85 पे आ गया तभी मैं बेच दूंगा, आई विल नॉट वेट कि वो इतना गिरे, और आई विल नॉट बाय द डिप्स, और आई विल नॉट एग्जिट कि जब वो ब्रेक इवन पे आए। तो दीज आर लूजिंग मेंटेलिटी, मतलब ये एक रिटेल की मेंटेलिटी है, विच इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू शुड अवॉइड। एक्सेप्शनल सिचुएशन होती हैं मार्केट में वेर यू कैन टेक अ डिफरेंट सिचुएशन, बट हैविंग ऑपोजिट मेंटेलिटी टू वॉट वी हैव बीन टॉट और हाउ वी बिहेव इन जनरल, अगर आप इसके ऑपोजिट काम करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, देन यू विल बी हैविंग मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ से बींग सक्सेसफुल इन द मार्केट। सो एक्शन प्लान्स ऑफ वॉट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट फ्यू मिनट्स, प्लीज ट्राई टू थिंक दैट अगर कोई स्टॉक ऊपर है, दैट डजेंट मीन इट्स ओवर वैल्यूड, एंड मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। तो इसके लिए इट्स नॉट समथिंग कि वो आज ही आपको पता लग जाएगा, यू शुड रीड अ लॉट, आपको एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ें आएंगी, दैट वे यू विल बी एबल टू एंटिसिपेट थिंग्स और कनेक्ट द डॉट्स कि कोई सेक्टर और कोई स्टॉक कैसे लिंक्ड है, या एक सेक्टर बी सेक्टर के साथ कैसे लिंक्ड है, तो वो आप एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। बट येस, फॉर दैट यू नीड टू रीड एंड यू नीड टू वर्क हार्ड, एंड देन फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल मेंटेलिटी, जैसे वो लोग सोचते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सोचते हैं, वैसे आपको सोचना चाहिए। एंड देन हैविंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मार्केट कोई ऐसा गैम्बलिंग मशीन नहीं है वेर यू कैन मेक क्विक रिटर्न्स। एंड द लास्ट दैट ट्राई नॉट टू होल्ड ऑन योर लॉसेस, बिकॉज इट विल बी लाइक कि यू आर प्लकिंग योर फ्लावर्स एंड वाटरिंग द वीड्स, विच मीन्स कि जब आपके स्टॉक कोई बढ़ने लग जाता है तो यू विल ऑलवेज बी द फर्स्ट पर्सन कि इसको जल्दी जल्दी बेच देता हूँ सो डैट आई कैन बुक माई प्रॉफिट। तो बट ऑपोजिट होना चाहिए, दैट आप अपने अच्छे स्टॉक्स को बढ़ने दो, एंड द स्टॉक्स विच आर गोइंग डाउन दैट यू शुड सेल एज सून एज पॉसिबल बाय हैविंग योर स्टॉप लॉस। सो नेवर लाइक वाटर योर वीड्स एंड प्लक योर फ्लावर्स, अगर आप ऑपोजिट करोगे तो यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन। सो दीज आर सम ऑफ माई एक्सपीरियंस लर्निंग जो मैं लोगों के साथ इतने टाइम से डील कर रहा हूँ और मैं सीखे, और मेरी प्रैक्टिकल लर्निंग्स है विच रियली वर्क्स इन द मार्केट, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट आई होप। सो थैंक यू सो मच।